औद्योगिक क्षेत्र में नगर पुलिस प्रशासन को आज एक बड़ी सौगात मिली है। सेक्टर 1 थाने के नए भवन का लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। वहीं इस अवसर पर DIG ग्रामीण चंद्रशेखर सोलंकी, नगरपालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव, नगर पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल, पीथमपुर सहित शहर के तीनों थाना प्रभारी, शहर के कई गणमान्य नागरिक व उद्योगपति शामिल हुए। पीथमपुर चौकी से थाना बनने के बाद स्टाफ बढ़ने के साथ बड़े भवन की यहां सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। उसी को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक तरुणन सिंह बघेल के अथक प्रयासों के चलते पिछले दिनों प्रदेश सरकार द्वारा नए भवन की राशि स्वीकृत कर दी गई थी। ग्रामीण DIG चंद्रशेखर सोलंकी ने बताया कि पीथमपुर जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में बड़े भवन की सख्त जरूरत थी। हम जल्दी ही पीथमपुर पुलिस स्टाफ के लिए आवासीय भवन के लिए भी प्रयास करेंगे। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। जो थाने की वर्चुअल ओपनिंग क्या है पूरा आयोजन? आज धार जिले के पीथमपुर में सेक्टर 1 थाने का जो है वर्चुअली लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा उनके कार्यक्रमों से किया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ इस गरिमा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपस्थित हैं। सर, जैसा कि मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लोकार्पण हो रहा है, तो क्या पीथमपुर पुलिस को भी इस योजना का लाभ आगे मिलने की? बिल्कुल, पूर्व में भी धार जिले को कई सी सौगातें मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। आवासीय संरचनाओं का निर्माण यहाँ हुआ है और भविष्य में भी पीथमपुर को भी हाईलाइट किया जाएगा और यहाँ पर भी नवीन आवासीय परिसरों की संरचनाओं को विकसित किया जाएगा। आपका नाम बताइए। चंद्रशेखर सोलंकी, ग्रामीण DIG। इसमें संचार व्यवस्था, वायरलेस और CCTV, महिला सुरक्षा, अधिकतम लॉकअप, जब्ती माल रखने की जगह, मीटिंग हॉल और सभी म्यूजिकों को अलग अलग कमरे, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है। सर, आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे? यहाँ पर श्रीमान DIG साहब, इंदौर ग्रामीण रेंज और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कविता मिश्र। सर, जैसा कि मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना का भी लोकार्पण यहाँ हुआ है, तो आगे भविष्य में पीथमपुर पुलिस को भी आवास का कुछ यहाँ पर लाभ मिलेगा? इसीलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस हाउसिंग को और बड़े सरकारियों को से पत्राचार चालू है। बहुत जल्दी पुलिस कर्मियों के लिए हाउस व्यवस्था उपलब्ध करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।